नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता दरबार में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोटा के ग्रामीण के बूढ़ादी थाना इलाके में एक युवती ने स्वयं पर डीजल डालकर आग लगा ली, जिसे गंभीर हालत में कोटा एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। युवती के पिता ने दो युवकों पर बेटी का अपहरण करने, दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक करण सिंह ने बताया कि यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। सामने आया है कि पीड़िता के घर में ही कचौड़ी और मिठाई की दुकान है। इस दुकान पर बैठने वाले दो युवकों ने पहले युवती का अपहरण किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवती के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और साथ ही मामले में आगे की जाँच की जा रही है। आज सुबह हमें जरिए कंट्रोल रूम ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती है जो टाकरवाड़ा बुढ़ादी थाना इलाके की रहने वाली है और वो जलकर भर्ती हुई है बर्न वार्ड में एमबीएस में, जिस पर यहाँ से महावीर जी एडिशनल एसपी हमारे सिकाऊ के हैं उनको भेजा गया। तो वहाँ जानकारी करने पर पता चला कि ये टाकरवाड़ा की रहने वाली है, जिस पर SHO बुढ़ादी को तुरंत ही थाना भेजा गया। जहाँ जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि उसके पिता ने एक रिपोर्ट हमें दी है। उनका कहना है कि दो लड़कों के नाम, उन्होंने दो आरोपियों के नाम उसमें उन्होंने लिखे हैं कि उनके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिससे आहत होकर उसके द्वारा आत्महत्या किया गया और डीजल डालकर आत्महत्या करना पाया जा रहा है, जैसा उन्होंने बताया। उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही दोनों जो आरोपी हैं उनको डिटेन कर लिया है। उनसे अभी आगे की पूछताछ जारी है और युवती के हम लोगों ने बयान लिए जाने की जो कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण मना कर दिया था। डेथ हो गई सर? जी जी हाँ, अभी हमें भी सूचना प्राप्त हुई है कि उसकी डेथ हो चुकी है। बाकी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। दुष्कर्म वाली बात में क्या रहेगा आगे जाके? नहीं, इस बारे में जांच की जा रही है। ये अभी उनके जो युवती के पिताजी हैं उनके द्वारा ये एप्लीकेशन हमें दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।